खाना पड़े एक दो साल तक। नए प्याज देखो उनके छल्ले छल्ले सारे खुल गए। मिट कर दिया, काट डालो बारिश को, काट डालो। नाइस। और यहाँ पे पैन अंदर से देखते हैं जरा, कुत्ते जैसी हालत हो गई है। और साथ में यार देखो मेरा एडमिट कार्ड भी किया पूरा। मुझे जाना है पेपर देने, इन्हें नहीं जाना। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास रखें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल रेनी डे। बादल लगे हुए हैं और आज तुम्हारे भाई का है सेकंड लास्ट पेपर एंड आई एम ऑन माय वे टू एग्जामिनेशन सेंटर। और मैंने सोचा था थोड़ा रुक के निकलूँगा, पर मौसम देखा मैंने ख़राब हो रहा है और मैं स्कूटी में जा रहा था, तो मैंने बोला टाइम से निकल जाता हूँ क्योंकि वहाँ ट्रैफिक भी लगता है और बारिश भी हो गई, तब तो बहुत लेट ही हो जाएगा। क्योंकि आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, तो मैंने पढ़ाई तो कर ली पर नींद आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कहीं पेपर देते टाइम मैं सो ना जाऊँ, पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और बारिश और ट्रैफिक की वजह से लेट भी हो सकती है, इसलिए मैं टाइम से निकल गया। तो गाइस इस बात का डर था यार, देखो वही हो गया, बारिश शुरू हो गई और पेपर शुरू होने में बस खाली 1 घंटा रह गया है। और यहाँ से अभी भी 5-10 किलोमीटर दूर हूँ मैं और पता नहीं कब तक ये बारिश रुकेगी। कुत्ते जैसी हालत हो गई है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कुत्ते जैसी हालत हो गई है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुत्ते भी बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर इनमें और मुझ में एक अंतर है कि इनको पेपर नहीं देना, मुझे पेपर देना है। तो गाइस मैं चल पड़ा था लेकिन फिर से बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो अभी देखो यहाँ पे ये हार्डवेयर की शॉप में सहारा ले रखा है और आगे बारिश हो रही है बहुत तेज, और ये भाई लोग भी बैठे हैं मेरे साथ सब बारिश के मारे। पर यहाँ भी एक अंतर है, मुझे जाना है पेपर देने, इन्हें नहीं जाना। तो गाइस यार मैं अपने कॉलेज के पास पहुंच चुका हूँ, एक टी स्टॉल मिल गया है मुझे यहाँ पे और मैं तो भीग ही गया हूँ। और साथ में यार देखो मेरा एडमिट कार्ड भी भीग गया पूरा। तो अभी मैं कॉलेज से मतलब 5-10 मिनट ही दूर हूँ, तो यहाँ पे मैं चाय पी लेता हूँ, अपना रिवाइज भी कर लूँगा और तब तक बारिश भी रुक जाएगी। हाँ मेरी एक चाय, एक मेरी है, तो एक चाय ऑर्डर कर लिए, चाय पीते पीते अपना रिविज़न कर लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस अनसक्सेसफुली भीगते भिगाते हम जैसे जैसे कॉलेज पहुंच चुके हैं, अब पेपर शुरू होने के लिए खाली 20 मिनट रह चुके हैं, तो मैंने रिवाइज कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए। अब मैं पेपर दे के आऊँगा फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली हम पेपर दे के आ चुके हैं और अभी तक बारिश नहीं रुकी है, तो मुझे लग रहा है कि आज तो भीगते भिगाते ही हमें घर जाना होगा क्योंकि 2 बजे छूटता है पेपर और अभी 2:15 के आसपास टाइम हो चुका है और भूख लग रही है बहुत तेज। मतलब थोड़ा तो मैं आते हुए भीग गया था, अब थोड़ा जाते हुए भीगूंगा तो घर पहुँचते पहुँचते वो पूरा हो जाएगा। क्यों अधूरा नहीं छोड़ दे, इसको पूरा ही कर देते हैं आज। भगवान इंद्रदेव यही चाहते हैं हमें पूरा भिगाना जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे, तो हम अवश्य ये कार्य को संपन्न करेंगे आज। सॉरी यार गाइस वो बारिश की वजह से नहीं आए बच्चे, आज कैंपस ही बंद पड़ा है क्योंकि आज मे बी जन्माष्टमी की छुट्टी है। कॉलेज दिखाऊँ आपको अंदर का थोड़ा खिड़की से, ये देखो गाइस ये है कॉलेज, अंदर से देखते हैं जरा। ये क्या मशीनें रखी हुई हैं। सो गाइस यार आज मेरा कुछ बढ़िया बाहर चूल्हे में बनाने का प्लान था, पर जैसे कि आप देख सकते हैं आज बारिश ने बहुत परेशान कर दिया। सुबह पेपर देते जाते वक्त परेशान किया और अभी देखो यहाँ पे कुकिंग करते वक्त परेशान कर दिया, फिर बारिश आ गई। तब तक कोई नहीं, तब तक हमने अपनी चाय बना दी है और अब हम बना रहे हैं एक स्नैक्स चाय के साथ खाने के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको क्या बन रहा है। और यहाँ पे पैन को भी ठंडा कर दिया है और ये देखिए गाइस ये है स्नैक लाइट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ भाई लाइट मिक्सचर, सेंसिबल स्नैकिंग। इसको डाल देंगे पैन में, इंडियंस अक्सर चकले में ही चॉपिंग करते हैं, नो चॉपिंग बोर्ड, चकला इज ऑन। और अब देखिए गाइस इसको मिक्स करने की टेक्निक, ये मुझे लगा था शेफ चम्मच से मिक्स करेंगे पर शेफ ने अपना तरीका निकाला है देखो मिक्स करने का, नाइस। और देखिए गाइस अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, क्या बोलते हैं शेफ इसको, इसको बोलते हैं देसी स्टाइल। अरे देसी स्टाइल तो बोलते हैं पर जो ये बनाया है इसको क्या बोलते हैं ये तो बताओ। इसको बोलते हैं भेलपुरी। अच्छा भेलपुरी बन चुकी है गाइस, भेल है पूरी नहीं है।
हाँ गाइस, भेल पूरी विदाउट भेल, ये पूरी। सो गाइस, अब शेफ बोल रहे हैं कि इसको टेस्ट करूँ मैं, तो अब जरा मैं टेस्ट करता हूँ। थोड़ा सा लेते हैं और टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा कुरमुरे पुरमुरे और नाइस स्नैक टू हैव इन इवनिंग विद योर टी। सो गाइस यार, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भाई ने आग जला दी थी। मैं अंदर रसोई में मीजा कर रहा था, तब तक मुझे बारिश की आवाज़ सुनाई दी। फिर से बारिश ने काम ख़राब कर दिया यार। या तो मैंने बारिश को अंडर एस्टिमेट कर दिया, या तो बारिश ने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया। काट डालो बारिश को, काट डालो। फ्रस्ट्रेट कर दिया भाई को। अगर मैं इसे काट सकता ना, काट देता मैं अंदर। अब वो बताओ, आग अपनी बुझ गई यार पूरी। देखो, बुझ गई हमारी आग। बारिश तो बस चूल्हे की आग बुझा सकती है, हमारे जो अंदर जो आग जली है ना, उसको कोई नहीं बुझा सकता। सो गाइस, ये देखो, ये तेल मैंने डाल दिया है और ये कढ़ाई की हालत असली हो गई है, क्योंकि मैं कैंपिंग में लेके गया था इसको, तो कभी चूल्हे में कभी पत्थर में रख रख के इसको बना रहा हूँ। सो गाइस, मुझे तो लग रहा है कि ये हो चुका है, तो इसमें हम एक प्याज का टुकड़ा डाल के देखते हैं। और यस, ये हो चुका है। सो गाइस, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, अपना ये प्याज और शिमला मिर्च हो चुका है, तो हम गैस को कर देंगे बंद और इसको निकाल देंगे हम साइड अलग से थाली में। तो मैंने लहसुन और प्याज से ही कर दिया काम, सच्ची। और इसको डाल देते हैं। अभी इन प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो गाइस, देखा जैसे कि जैसे ही वो गर्म तेल में गए प्याज, देखो उनके छल्ले छल्ले सारे खुल गए। टमाटो और चिली इसमें हम डाल देंगे, वो पेस्ट करना है। इसी वजह से मैंने रफली चॉप कर रखा है प्याज को भी। तो गाइस, ये पक चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और जब तक वो ठंडा होता है, तब तक हम अपने चूल्हे को अंदर रख देते हैं, क्योंकि ये स्टील का चूल्हा है, जिस चीज़ का भी होता है। तो इसमें अगर बारिश पड़ जाती है तो इसमें ना जंग लग जाता है। आग तो जली नहीं, खामा खाम की आफत और होगी, है ना। इसको सो गाइस, अभी अपना मसाला ठंडा हो चुका है और अब हम इसको निकाल लेंगे जार में। अब गाइस, अब हमने इसमें फिर से तेल डाल दिया है, तो हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। तो मैं ये मिक्स मसाला डाल दूंगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ। स्पेशली इसकी ये जो पिन है ना गाइस, ये इस पिन को आप ध्यान से हटा देना, क्योंकि अगर ये किसी के मुंह में आ गई ना, तो बहुत कुछ भी हो सकता है। तो हम इसमें डाल देंगे अपना थोड़ा सा मसाला बनाया है, वो हम इसमें डाल देंगे ये। अब गाइस, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, फिर थोड़ा सा नमक। आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और हमेशा याद रखें, जब भी आप इसमें दही या फिर दूध वगैरह ऐड करें तो गैस बंद कर दें, नहीं तो ये फट भी सकता है। फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च और प्याज। सो गाइस, अब फाइनल टेस्टिंग का टाइम आ चुका है। टेस्टिंग करेंगे अपनी सब्जी की। ओहो, गिर गया। बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त। होटल का खाना फेल। वैसे मैं आजकल सुन रहा हूँ कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या पता ऐसा टाइम आ जाएगी फिर से घर में ही खाना पड़े एक दो साल तक। दैट्स इट गाइस, आजकल इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।